सो हाय गाइज एंड वेलकम टू टेक विजर्ड। क्या हाल चाल है आपके? और जैसा कि आप देख सकते हो, जितने भी यहाँ गेमिंग हेडफोन्स हैं ऑलरेडी सबका मैंने इनका इंडिविजुअल रिव्यू कर दिया। अब टाइम है इनका रैंकिंग करने का, फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, आपको बताने का कि इन पांचों में से कौन सा सबसे अच्छा है एंड कौन सा एवरेज है, कौन सा बुरा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइज़, कि ये टॉप 5 बेस्ट हेडफोन्स की लिस्ट है। तो इसमें अगर नंबर 5 पे भी आपके हेडफोन है ना, दे आर इन द बेस्ट वाला कैटेगरी, लेकिन इनके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं रहा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइज ये हैं आज के कॉम्पिटिटर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ज़ेब्रोनिक्स का एक हेडफोन मिल जाएगा, फिर एक्सा का है, फिर रेड गियर का है, फिर कॉस्मिक बाइट का है एंड फाइनली बोट का है। चलिए गाइज इसकी रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहली कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डिज़ाइन। सो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन की। और डिज़ाइन में जो हेडफोन मेरे को सबसे एवरेज लगा, जो उतना स्टैंड आउट नहीं कर रहा था इन सब के बीच में, वो था हमारा ज़ेब्रोनिक्स क्रशर। जैसा कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक काफ़ी डिफरेंट सा लुक मिल जाएगा, मास्क बना हुआ मिल जाएगा आपको एयर कप्स में, और यहीं पे आपके आरजीबी लाइट्स भी मिल जाएंगी। साथ में आपको यहाँ पैडिंग मिल जाएगी दोनों साइड में, काफ़ी अच्छी है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं लगी मेरे को। और ऊपर की तरफ भी आपको पैडिंग मिल जाएगी, और साथ में इसमें डिटैचेबल माइक है और एक वायर दी हुई है, लंबी है, और ये एक USB टाइप ए वायर है, और साथ में आपको अटैच्ड रिमोट मिल जाएगा वायर में, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो इसके अलग अलग ऑप्शन। और जो नंबर 4 हमारी लिस्ट में है वो है एक्सा फेनरियर। एंड वैसे तो एक्सा फेनरियर का डिज़ाइन थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है, लेकिन इसमें RGB आपको नहीं मिलता है, इसमें बस आपको ग्रीन मिलेगा। और यहाँ एक्सा के एयर कप्स में आपको एक फेस बना हुआ मिल जाएगा जो कि ग्लो करते हैं, वो एक कूल इफेक्ट इसको देते हैं। और इसमें आपको पैडिंग मिल जाएगी दोनों साइड में, और ऊपर भी आपको कुशनिंग मिल जाएगी, साथ में अटैच्ड माइक है, डिटैचेबल नहीं है। और वायर की बात करें तो इसमें आपको USB टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ 3.5mm का भी एक वायर मिल जाएगा। इसके कंट्रोल्स आपको हेडफोन में अटैच्ड मिलेंगे ईयर कप्स के पास में, जैसे कि वॉल्यूम एडजस्ट बटन और साथ में आपको म्यूट बटन मिल जाएगा। जो थर्ड नंबर पे हमारी लिस्ट पे है वो है रेड गियर कॉस्मोस 7.1। और डिज़ाइन इसका काफ़ी हार्ड कोर लगा, मतलब काफ़ी हैवी लगा मेरे को इसका डिज़ाइन। और जो इसके ईयर कप्स भी हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और बहुत ही मोटे हैं, और जो आपको ऊपर की तरफ हेडरेस्ट मिल रहे हैं वो भी एडजस्टेबल है पूरी तरीके से, आपके सर के हिसाब से वो एडजस्ट कर जाएगा। ऊपर आपको मेटालिक आर्च मिल जाएगा, आपको साथ में बहुत लंबी वायर मिल जाएगी जो कि इंसुलेटेड है, और इसमें आपको मिल जाएगा USB टाइप ए कनेक्टर पोर्ट, और आपको इसमें बटन्स भी मिल जाएंगे जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपना वॉल्यूम, अपना म्यूट, अपना लाइट्स, और इसमें RGB चलता है तो दे लुक प्रीटी कूल। और जो नंबर 2nd में हमारी लिस्ट में है वो है कॉस्मिक बाइट ओबेरॉन। तो गाइस इसका डिज़ाइन तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा, एक बहुत ही प्रॉपर गेमर लुक ये देता है। साथ में आपको इसमें डिटैचेबल माइक मिल जाएगा, और इसमें आपको काफ़ी बड़े ईयर कप्स मिल जाएंगे जो आपके कानों को काफ़ी आराम देंगे, एंड ऊपर की तरफ भी आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ हेडबैंड में भी आपको कुशनिंग मिल जाएगी। इसमें RGBs दिया हुआ है जो कि काफ़ी कूल लगता है रात में चलते टाइम, और साथ में इसमें आपको USB टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, और आपको एक रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा वायर में अटैच, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी लाइट्स, आपका म्यूजिक का वॉल्यूम वगैरह। तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा वायर मिल रही है जो कि है 3.5mm ऑक्स। जो नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में है जिसका डिज़ाइन मेरे को बहुत मिनिमलिस्टिक येट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम लगा, वो है बोट इमॉर्टल IM1000D। एज़ यू कैन सी यहाँ पे आपको पूरा मेटालिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हेडफोन का, जो कि इनको काफ़ी एक सॉलिड लुक दे रहे हैं। और आपको यहाँ पे ईयर कप्स बहुत ही सॉफ्ट मिल जाएंगे, ऊपर बहुत अच्छी पैडिंग दी हुई है, आपके सर में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, डिटैचेबल माइक दिया हुआ है इसमें, और गाइज इसमें आपको दिया हुआ है रिमोट कंट्रोल बटन्स जो भी आपको एडजस्ट करने हैं, म्यूज़िक वॉल्यूम लाइट्स, और फाइनली इसमें आपको USB टाइप ए चार्जिंग केबल मिल जाएगी जो कि पूरी रेड कलर की है, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कूल लुक आता है इसका। और एज यू कैन सी इसमें RGB भी दी हुई है, तो काफ़ी अमेजिंग दिखते भी हैं। सो गाइज ये थे सारे डिज़ाइन के पॉइंट्स, और अब मैं इन सब का एक माइक टेस्ट आपको फटाफट करके दिखाने वाला हूँ कि इंडिविजुअली कैसे ये सारे साउंड करते हैं। हाय गाइस एंड ये है मेरा माइक टेस्ट नंबर 1। यहाँ पे पूरा रूम का एनवायरनमेंट हो रखा है, फैन वगैरह ऑन करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आपको इसका माइक कैसा लग रहा है? यहाँ पे मैंने डिटैचेबल माइक को यहाँ पे लगा के बात कर रहा हूँ, एंड यू गाइस टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा इसका माइक।
सो हाय गाइस, ये है ज़िब्रोनिक क्रशर का माइक टेस्ट। और आपको इसका माइक कैसा लग रहा है? अभी एसी बस ऑन है, फैन वगैरह ऑन नहीं है। और यू गाइस टेल मी, हाउ डू यू थिंक इसका माइक कैसा है? सो हाय गाइस, और ये है एक्सा इंडियर का माइक टेस्ट। और व्हाट डू यू थिंक, आपको इसका माइक कैसा लग रहा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो हाय गाइस, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू साउंड जब आप रेड ईयर को कॉस्मो 7.1 लगा के अपने फ्रेंड से बात करोगे गेमिंग करते टाइम में। सो हाय गाइस, और ये है कॉस्मिक बाय टोब्रोन का माइक टेस्ट। एंड थोड़ा फैन वगैरह ऑन है, एसी वगैरह रूम में ऑन है। तो आपको कैसे इसका साउंड लग रहा है, यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि कौन कौन से हेडफोन्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं, आपको और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ करने के ऑप्शंस देते हैं आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको बोट इमॉर्टल IM1000D सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे देते हैं। और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको रेडगियर कॉस्मो 7.1 में सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाएगा। फाइनली आपको कॉस्मिक बाइट ओबेरॉन भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं। और गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि जो ज़िब्रोनिक्स है और फेनरियर है, उसमें मेरे को कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिला। ऑल दो मैंने इंटरनेट पे थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च करा था, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट उनका नहीं मिला, जिस तरीके से हमारे ऑलरेडी 3 एस्टेब्लिश्ड हेडफोन्स का मिला। अब हम आ जाते हैं इनकी साउंड क्वालिटी में कि कैसे ये साउंड करते हैं व्हेन यू आर कंज्यूमिंग मल्टी मीडिया एंड व्हेन यू आर डूइंग योर गेमिंग सेशंस। आपको क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है इन सारे हेडफोन्स में, सबको थोड़ा कवर करते हैं। तो गाइज, अब हम ज़िब्रोनिक्स की साउंड क्वालिटी की बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो है इसका बेस। तो इसके लोस कैसे हैं, बेस वगैरह कैसे है, कैसे आपको ओवरऑल साउंड सुनाई देने वाला है व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग मल्टीमीडिया ऑन दिस और यू आर डूइंग योर गेमिंग। तो इसमें बेस आपको उतना अमेजिंग नहीं मिलने वाले। मुझे ये हेडफोन्स थोड़े से कमज़ोर लगे साउंड जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। आई डोंट नो, इनमें भी 50 mm के ड्राइवर्स हैं बट दे डोंट प्रोड्यूस साउंड दैट वेल। इसमें बेस में को उतना अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा पंची नहीं लगा, मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा बज कर रहे मेरे कानों को। और अगर हाइस की बात करें और ट्रेबल वगैरह की बात करें तो इसमें फुटस्टेप्स वगैरह कैसे सुनाई देते हैं गेमिंग करते टाइम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग गेमिंग। टू बी ऑनेस्ट, आपको ठीक ठाक ट्रेबल मिल जाते हैं, आपको फुटस्टेप्स सुनाई दे जाएंगे साफ साफ से। मे बी बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं कि आपको एकदम एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो गई है, लेकिन थोड़े बहुत आपको हाँ सुनाई दे जाएंगे। मैंने इनको कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में टेस्ट वगैरह करके देखा था, एक्सपीरियंस मेरे को ठीक ठाक लगा। और अगर लैपटॉप गेमिंग की बात करें तो इनमें मैंने मॉडर्न वॉरफेयर वगैरह खेला था, तो दे वर प्रीटी एवरेज, उतने ज़्यादा अमेजिंग मेरे को नहीं लगे। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हेडफोन की जो नंबर 4 पे हैं, जो कि हमारे एक्सा फेनरियर। पर्सनली मेरे को ये हेडफोन्स उतने बुरे नहीं लगे, ठीक लगे थे इनको यूज़ करने में, साउंड भी अच्छी प्रोड्यूस करके देते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर हेडफोन्स मैंने रखे हैं वो साउंड अमेजिंग प्रोड्यूस करके देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लोस। सबसे पहले बेस आपको इसमें पंची मिल रहे हैं, बेस से मेरे को इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा मल्टीमीडिया एज वेल एज गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें हुआ। जो भी आपके एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से सुनाई देने वाले हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। और अगर हाइस की बात करें, ट्रेबल वगैरह की बात करें, तो वो मेरे को ठीक लगे, उतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं। आपको एक ठीक ठाक ट्रेबल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा वैलोरेंट वगैरह खेलते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि ये हेडफोन्स उतने अच्छे नहीं हैं वैलोरेंट वगैरह के लिए। सो इसमें आपको वैलोरेंट वगैरह का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी मैंने टेस्ट करे गेमिंग हेडफोन्स तो उनमें और बेटर एक्सपीरियंस मेरे को मिला, जैसे कि फुटस्टेप्स वगैरह में भी। और अगर आप CS:GO वगैरह भी खेलते हो तो आपको काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा इन हेडफोन्स में से और जो हमारे बाकी के हेडफोन्स हैं उनमें। सो गाइस, जो नंबर 3 पे हमारी लिस्ट में है, पर्सनली मेरे को इसकी साउंड क्वालिटी ऑन पार विद नंबर 1 एंड नंबर 2 लगी, क्योंकि इसका बेस बहुत ही अच्छा लगा मेरे को और इसका ट्रेबल वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। आफ्टर टेस्टिंग देम ऑल, आई कैन से कि अगर बस साउंड क्वालिटी पे जाते हैं तो आई कैन सी दिस हेडफोन ऑन नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी ओवरऑल। इसमें कुछ कॉन्स थे, जैसे कि इसका वेट वगैरह बहुत ज़्यादा था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे बस, लेकिन अगर वो हटा दे तो इन हेडफोन्स ने बहुत अमेजिंग साउंड प्रोड्यूस करके दी। बेस A1 बहुत ही अमेजिंग, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सुनाई देने वाली, खूब पंची है, खूब मज़ा आने वाला है।
आपको ओवर नहीं लगेगा कहीं पे भी। सेकेंडली अगर बात करें ट्रेबल की, तो ये हेडफोन लाउड है, आपको सारी एनवायरमेंटल अवेयरनेस होने वाली है कि आपके अराउंड क्या चल रहा है, आप गेमिंग करते टाइम सब कुछ पिकअप कर सकते हो, एक एक छोटी छोटी वॉइसेस, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। एक कौन है साउंड क्वालिटी में इसका, जो कि ये हेडफोन बहुत ही ज़्यादा लाउड हैं और इनमें से साउंड लीकेज भी होता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं उन हेडफोन्स की जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और लाइट हेडफोन लगे हैं ये मेरे को, बहुत मज़ा आया इनकी टेस्टिंग करते टाइम, मेरे को बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करके दी इन्होंने। जैसा रेड गे प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपको सिमिलर साउंड सिग्नेचर मिल जाएगा। इसमें सिमिलर टाइप का बेस है, पंची, हार्ड, एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू फील देम इन योर ईयर। एंड ट्रिपल वगैरह भी बहुत अमेजिंग है, हर एक चीज़ आपको सुनाई देने वाला है, क्रिस्टल क्लियर, हाई इज़ वेरी नाइस, लो इज़ वेरी गुड। और ये रेड गियर से ऊपर इसलिए क्योंकि इसका ओवरऑल वेट मेरे को कम लगा, रेड गियर का बहुत ही ज़्यादा है, आपको वो बहुत ज़्यादा सर में पता चलने लग जाते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ इन हेडफोन्स के बारे में कि ये उतने ज़्यादा लाउड भी नहीं है, तो आपको वॉल्यूम की टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं पड़ेगी, नो वॉल्यूम लीकेज एट ऑल। सो गाइज, जो हेडफोन नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में है वो बोट मॉडल IM1000D, और ये नंबर 1 पे इसलिए क्योंकि फर्स्टली मैंने जब इनका फर्स्ट टाइम गेमिंग टेस्ट करा था तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि इन्होंने क्या अमेजिंग साउंड निकाल के दिया, एंड दे सेट द स्टैंडर्ड वहाँ पे, कि वहाँ से मैंने टेस्टिंग स्टार्ट करा बाकी हेडफोन्स का। और पर्सनली नन ऑफ द हेडफोन्स कुड बीट दिस, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको हाईज, मिड्स और लोज सब सुनाई देंगे, especially if you're a gamer और आप बहुत ज़्यादा multimedia भी consume करते हो, for example series वगैरह देखते हो या music वगैरह सुनते हो, बहुत ही ज़्यादा ये amazing आपको experience देने वाले हैं ये headphones, and gaming करते time each and everything you are going to hear it perfectly crystal clear। ये headphones काफ़ी ज़्यादा compact मेरे को लगे, छोटे लगे, लेकिन sound बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और explosive लगा, so that's why they are on number 1। सो गाइज, मैं अब आपको एक ज़रा गेमिंग करते हुए इन सब का लुक दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये आपके ऊपर लगेंगे गेमिंग करते टाइम। सो गाइस, अगर प्राइस की बात करें तो ज़ेब्रोनिक्स आपको मिल जाएगा 1600 का, ऑन द अदर हैंड आपको यहाँ पे एक्सा फेनरेयर मिल जाएगा 2200 का, फिर आपको रेड गियर कॉस्मोस मिल जाएगा 1999 का, और उसके बाद आपको कॉस्मिक वाइट ओबेरॉन मिलेगा उनकी वेबसाइट पे जाके 1600 का अभी इस टाइम में, और बोट इमॉडल IM1000D आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 2600 का। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर द रैंकिंग वीडियो, आई होप आपको एक क्लियर विनर मिल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद में, एंड आई होप यू कुड मेक वन डिसीजन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू टेक विजर्ड, शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।